हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनी ब्यूटी एंड हेल्थ। एस यू नो मैं हनी। आज मैं आपको गेहूं का आटा का इस्तेमाल से अपने चेहरे को कैसे साफ कर सकती हो और साथ ही कैसे टाइट कर सकती हूँ इस वीडियो में आपको बताने वाली, क्योंकि गेहूं का आटा अपना स्किन अपना हेल्थ के लिए ना अपना स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि वीट फ्लोर या वीट काफ़ी सारे स्किन के हेयर केयर प्रोडक्ट्स है वीट का, तो वीट अपना स्किन को बहुत अच्छा काम करते हैं स्किन के ऊपर। इससे अपना स्किन के ऊपर रैंकल्स फाइननेस दूर होने के साथ ही साथ अपना स्किन भी बहुत अच्छा तरह चमकदार ब्राइटनिंग बनता है। आपको पता है वीट को कोरियन लोग इस्तेमाल करता है क्योंकि वीट से स्किन अच्छा चमकदार ब्राइटनिंग होता है और काफ़ी सारे स्किन केयर प्रॉब्लम्स के लिए वीट को इस्तेमाल करता है। तो आज मैं आपको गेहूं का आटा को इस्तेमाल से अपने स्किन को ब्राइटनिंग कैसे करना है, साथ ही टाइटनिंग कैसे करना है और इसके साथ चेहरे को हमेशा के लिए साफ कैसे रखना है इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। काफ़ी सारे लोग चेहरे को साफ कैसे करना है मुझे रिक्वेस्ट पूछा है, तो आपके रिक्वेस्ट के लिए ही ये वीडियो है। सो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साइड पे बेल आइकॉन एक घंटी रहता है उसको आप दबाने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। अब गेहूं का आटा का इस्तेमाल से अपना स्किन को कैसे साफ करते हैं मैं बताने वाली हूँ। चेहरे को साफ करने के लिए सबसे पहले क्लीन कटोरी ले, इसमें हमें ऐड करना है गेहूं का आटा। चेहरा साफ करने के लिए गेहूं का आटा बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसमें मैं 2 चम्मच गेहूं का आटा ऐड कर रही हूँ। इससे अपना चेहरा साफ होगा, बहुत टाइट भी होता है, क्योंकि आपको पता है गेहूं का आटा अपने स्किन के अंदर रिंकल्स को फाइन लाइंस को यूज़ करते हैं। गेहूं का आटा को ज़्यादा स्किन केयर में साबुन में इस्तेमाल करता है क्योंकि इससे स्किन अच्छा होता है और अपना स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। कोरियन लोग गेहूं का आटा को वीट फ्लोर को अपने उनका स्किन केयर में इस्तेमाल करता है, इसलिए उनका स्किन उतना चमकदार ब्राइटनिंग होता है। वो लोग गेहूं का आटा को ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो इसलिए उनका स्किन अच्छा रहता है। उनका स्किन केयर ब्रांड्स भी मैक्स वीट का ही रहता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि कोरियन स्किन के ज़्यादा वीट का होता है, क्योंकि वीट उसमें हाई वीट में गेहूं का आटा में हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी, विटामिन ई, हाई अमाउंट ऑफ विटामिंस रहता है, मिनरल्स रहता है। इससे हेल्थ के लिए ना अपना स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा मदद करता है, इसलिए वो रेमेडी मैं बता रही हूँ। इसमें गेहूं का आटा 2 चम्मच ऐड करना है, इसके बाद इसमें ऐड करना है हल्दी। इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करना है, 2 चीज़ को अच्छे से मिलाना है, क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व रहता है। इससे अपना स्किन का कॉम्प्लेक्शन अच्छा रहेगा और अगर आपके चेहरे के ऊपर छोटे मोटे दाना है, पिंपल मार्क्स है, ब्लैक स्पॉट्स है, उसको भी हटाता है हल्दी, इसलिए मैं हल्दी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। हल्दी और गेहूं का आटा से अपना स्किन का रंग भी अच्छा होगा और अपना स्किन भी बहुत साफ होगा। स्किन को चेहरे को साफ करने के लिए काफ़ी सारे लोग बहुत फेस पैक्स फेस मास्क मार्केट में रेडीमेड फेस मास्क भी खरीद लेता है, लेकिन वो ज़्यादा हाई प्राइस में रहता है। घर का चीज़ इस्तेमाल करके अपना स्किन भी अच्छा रहेगा और इसके लिए कुछ खर्च करना भी नहीं पड़ता है अपना स्किन के लिए। तो ये पैक ऑल इन वन पैक है, इससे स्किन अच्छा होगा और चेहरा भी बहुत सॉफ्ट होता है। अभी 2 पाउडर को अच्छे से मिला लेना है। अगर आपका स्किन लूज है, आपका स्किन सूखे सूखे दिखता है, तो उसके लिए ये पैक बहुत मदद करता है। और इसमें हमें ऐड करना है दही, ऐड करके फाइन पेस्ट जैसा मिक्स करना है, क्योंकि दही में लैटिक एसिड रहता है, ये अपना स्किन को कॉम्प्लेक्शन को बढ़ा देती हैं और इससे अपना स्किन टोन भी बहुत अच्छी तरह होता है। आपको जितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी दही इस्तेमाल कर सकती हूँ। इससे ये पैक से अपना स्किन साफ होगा, दही अपना स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सूखे स्किन को मॉइस्चराइज देता है, इसे अपना स्किन के ऊपर ग्लो लेके आता है, स्किन के अंदर टैन को भी रिमूव करता है। ये दही स्किन टैन को रिमूव करना है, सन टैन को हटाना है, तो ये रेमेडी बहुत काम करता है। और गेहूं का आटा अपना स्किन के अंदर अनचाहे बाल अनवांटेड हेयर को स्टॉप करता है और इससे अपना स्किन भी टाइट होगा, ब्राइट भी होता है। अगर आपका स्किन फेयर होना है, अपना स्किन का टेक्सचर को इम्प्रूव करना है, तो ये पैक बेस्ट है। इसे आप एक बार ट्राई करके देखिए, इसे 100% आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। और हल्दी से ब्लैक स्पॉट्स डार्क स्पॉट दूर होगा, इससे अपना स्किन भी बहुत ब्राइट होगा, स्किन का कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। ये पैक को अच्छे से मिला लेना चाहिए। ये पैक हर स्किन को सूट होते हैं, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इससे साइड इफ़ेक्ट्स नुकसान कुछ भी नहीं होता है। इसको अच्छे से मिक्स आप जितने देर मिक्स करोगे पैक उतना अच्छा मिक्स होता है और उसका रिजल्ट भी आपको उतना अच्छा आ जाता है। अगर आपका डार्क नेक का प्रॉब्लम है, आपका डार्क नेक काला हो जा रहे हैं,
आपका नेक के ऊपर, गले के ऊपर सन टैन ज़्यादा है तो उसको हटाना है, तो इस पैक को अपना डार्क गले के ऊपर, डार्क नेक के ऊपर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके ये सूखने तक छोड़ दीजिए, जब सूख जाएगा जब नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। ऐसे करने से अपना डार्क नेक लाइटन हो जाएगा और अपना नेक के आसपास का कालेपन भी दूर होगा। अगर आपका होठों के ऊपर आसपास का कालापन है तो इस पैक को अपना होठों के ऊपर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके सूखने तक छोड़ दीजिए, जब ये सूख जाएगा तब चेहरे को हल्का सा पानी ऐड करके गीला करके वॉश कीजिए। ऐसा करने से भी होठों के ऊपर आसपास का कालापन जो है वो भी दूर होता है। तो ऑल ओवर चेहरे के ऊपर अप्लाई करके चेहरे को साफ करना, कैसे करना मैं बताऊंगी। इसको आप सुबह उठते ही चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद इस पैक को अप्लाई करना है। अप्लाई करके आप 10 मिनट तक छोड़ दीजिए, जब ये पैक चेहरे के ऊपर अच्छे से ऑब्जर्व होता है। इसके बाद इस पैक को सूखने तक छोड़ना है, क्योंकि जब इसमें एक गेहूं का आटा, हल्दी और दही चेहरे को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है और चेहरे का रिपेयर करना शुरू होता है, तो इसके लिए इसको 10 मिनट तक चेहरे के ऊपर रखना है। इसके बाद चेहरे को ठंडा पानी से वॉश करना है। ऐसे इस पैक को यूज़ करने से चेहरा साफ होगा, चेहरा टाइट होगा और ब्राइट भी हो जाएगा। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रहता है, इसे यूज़ करने से एजिंग भी नहीं बढ़ेगा, अपना चेहरा भी बहुत जवान और एंगर दिखता है। अगर आपका स्किन टाइट और ब्राइट होना है तो यह 100% नेचुरल नुस्खा है। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं है हर रोज़ ट्राई करने का, तो जब आपको टाइम मिलता है जब कर सकते हो, सुबह शाम को कभी भी कर सकते हो। मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ नहाने के पहले और रात को सोने के पहले इस पैक को यूज़ करने से स्किन अच्छा सा होता है, एक स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट की जैसा भी काम करता है। जिसको भी स्किन को वाइटनिंग करना चाहते हो नेचुरली, तो इसको आप स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट की रहा हर रोज़ इस्तेमाल करने से स्किन भी ब्राइटनिंग टाइटनिंग होगा और इसे स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी बढ़ता है। ये 100% नेचुरल और इफ़ेक्टिव नुस्खा है। ये है अपना स्किन को गोरा करने के लिए, अपना स्किन को साफ और एंगर दिखने के लिए। इसको मेल, फीमेल, टीनेजर्स कोई भी ट्राई कर सकते हो, 100% सेफ है। इससे आपका अनचाहे बालों का ग्रोथ भी स्टॉप होता है। अगर आप वैक्सिंग करते हो, अनवांटेड हेयर को रिमूव करते हो, तो इसके बाद इस पैक बना के जहाँ आप अनवांटेड हेयर रिमूव करते हो उस एरिया पे इस पैक को अप्लाई कीजिए, सूखने तक छोड़ दीजिए। इसके बाद वॉश कीजिए नॉर्मल पानी से। आप इमिडिएटली अपना स्किन को या बॉडी को वैक्सिंग या अनवांटेड हेयर रिमूव करने के बाद इस पैक को लगाने से ये अपना अनवांटेड हेयर का ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। गेहूं का आटा और हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, इससे अपना स्किन के अंदर छोटे मोटे वैक्सिंग और थ्रेडिंग करने के बाद स्किन के ऊपर छोटे मोटे दाने हो जाती है तो उसको भी हटाती है इस पैक। तो अनचाहे बालों को ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए भी ये पैक काम करती है। ये पैक ऑल इन वन पैक है, एक बार इसको ट्राई कीजिए। अपना अनचाहे बालों को ग्रोथ भी स्टॉप होगा, स्किन ब्राइट होगा और स्किन का रंग भी गोरा हो जाती है। सो ये था वीट फेस पैक, गेहूं का आटा का पैक। ये पैक को आप चेहरा, बॉडी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको भी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए। आपको कमेंट करके मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिक्वेस्टेड वीडियोस बना सकती हूँ और वीडियो के अंदर आपका नाम भी मैं मेंशन करती हूँ। तो इसके लिए आप हमेशा मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।